मैं वीडियो पुनः फिर वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई BSEB बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस मोरल्स वर्ब से भी आते हैं। और आज मैं इस वीडियो में मैं मोरल्स वर्ब से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस MCQ बेस्ड ऑन बताएंगे। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। मैं क्वेश्चन नंबर 26 पे चलूँ। यहाँ 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डैश जम्प वेरी हाई, कि जब मैं बच्चा था तब मैं ऊंचा कूद सकता था। मतलब क्या है कि यहाँ मस्ट लगाएंगे या शैल लगाएंगे या कूड लगाएंगे या माइट लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट फॉर्म के रूप में चला जाएगा, जो कि कैन का पास्ट क्या बनता है, कूड बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्या सी डैश गेट मैरिड बाई नेक्स्ट ईयर। यहाँ कहने का मतलब, यहाँ बाई नेक्स्ट ईयर का मतलब है अगले साल तक, कि वह अगले साल तक शादी करेगी। मतलब क्या है कि हाँ मस्ट हैव विल या आर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें विल लगाना पड़ेगा। से विल गेट मैरिड बाई नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि यू डैस नॉट कॉल हिम एज ही इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक। कहने का मतलब क्या है, यहाँ जब अगर आंसर के तौर पे देखा जाए तो क्या लगाऊंगा, कुड कैन मे नीड। कहने का मतलब ये है कि आपको उसे कॉल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह अगले सप्ताह आ रहा है। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो लगेगा इसका सही आंसर के तौर पे क्या लगेगा, नीड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है संगीता डैश नो दी आंसर। अब यहाँ 29 के आंसर के तौर पे क्या अब लगाएंगे, तो संगीता माइट नो दी आंसर, क्योंकि संगीता ये आंसर जान सकती है। तो इस रूप में अभी आप यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर क्या लगेगा, माइट। संगीता माइट नो दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलूँ। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है क्या कि डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड। अब इसके रूप में हम क्या लगाएंगे, तो कहता है क्या कि क्या आप अपने हेड केवल खड़े हो सकते हैं। तो जब अगर बात करें कि नीड में कैन या सेल, तो सही आंसर के तौर पे आप इसमें कैन लगाएं, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलूँ। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका कहता है कि माई सिस्टर डैश स्विम वेन सी वॉज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड। यहाँ जब बनाऊँगा तो यहाँ फिर देख रहे ना, यहाँ पुनः फिर ये पास्ट टेंस में दिया है वेन सी वॉज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड। कहने का मतलब क्या है कि जब वह 2 साल की थी तब मेरी बहन क्या कर सकती थी, तैर सकती थी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कूड, क्योंकि यह ये पास्ट टेंस में है वॉज, इसलिए कैन का फॉर्म जब अगर ले जाएंगे तो ये भी पास्ट में चला जाएगा, इसलिए सही आंसर के तौर पे क्या हो जाएगा, कुड। तो माई सिस्टर कुड स्विम वेन सी वॉज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड, कि मेरी बहन तैर सकती थी जब वह 2 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है वी डैश टू बाई सम क्रॉकरी। कहने का मतलब ये है कि वी डैश टू बाई सम क्रॉकरी, मतलब क्या कि हम मस्ट लगाएंगे या आउट लगाएंगे या सूट लगाएंगे या कुड लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आउट टू ही लगाएं, क्या लगाएं, आउट टू। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को कुछ क्रॉकरी खरीद लेने चाहिए, तो इसलिए आउट टू लगा दें, वी आउट टू बाई सम क्रॉकरी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि बर्ड्स कैन फ्लाई बट काउज डैस। कहने का मतलब ये है कि बर्ड्स चिड़ियाँ उड़ सकती है लेकिन काउज नहीं। तो यहाँ काउज की जब मैं बात करूँ तो काउज के साथ आप क्या लगाएंगे, जैसे कि यहाँ कैन लगा है इसी का कांट फॉर्म आप लगाएंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्शनल फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए यहाँ भी कैन है तो इसका भी कॉन्ट्रैक्शनल फॉर्म कांट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है यू डैश बाई ए न्यू फ्रेज, कुड शुड आउट या वुड, आप क्या लगाएंगे। तो 34 के लिए आपको क्या खरीद लेना चाहिए, एक न्यू फ्रेज खरीद लेना चाहिए। तो इस रूप में अभी आप क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, यू शुड बाई अ न्यू फ्रेज, कि आपको नई फ्रीज खरीद लेना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 35 पे चलूँ। क्वेश्चन नंबर पुनः फिर 35 पे आऊँ। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 35 कहता है डैश यू लाइक अ कप ऑफ टी, अब इसमें क्या लगाएंगे, वुड, शुड, कुड या यूज्ड? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो इसका मतलब है कि क्या आप अ कप ऑफ टी लेना पसंद करेंगे, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, तो 35 के सही रूप में आप आंसर अगर लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा वुड, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। फिर क्वेश्चन नंबर आप 36 पे आए, यू डैश इम्प्रूव योर स्पेलिंग, कहने का मतलब ये है कि आपको अवश्य ही अपनी स्पेलिंग में सुधार करनी चाहिए। मतलब क्या है कि इसके लिए आप क्या लगाएंगे, मस्ट, कैन, शुड और वुड। जब भी अगर स्ट्रांगली रूपों में किसी को कुछ कहने की बात अगर आती है तो उस रूप में आप क्या लगाएंगे, मस्ट। क्लियर, जब खास करके नेसेसिटी की बात आती है। 37 की बात करूं, इट डैश रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तुम क्या लगाएंगे, मे, माइट बी, शुड बी, मस्ट बी। तो यहाँ इट मे रेन टुडे, इसलिए आप यहाँ मे लगाएं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि सी डैश ड्राइव द टाटा सुमो, कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम क्या लगाएंगे, विल, सेल, कैन और कुड। तो इसमें आप अगर देखते हैं तो आपको ये सेंस ही पता चलता है कि इस किसी की एबिलिटी की बात हो रही है कि वह क्या कर सकती है, तो वो टाटा सुमो ड्राइव कर सकती है, इसलिए यहाँ इसमें कैन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि सी डैश वी हेयर नाउ, इसके लिए आप क्या लगाएंगे, आउट टू, यूज टू, विल या सेल। तो 39 के आंसर के तौर पे आप लगाएं कि यहाँ आउट टू लगाएं, कहने का मतलब क्या है कि उसे अभी यहाँ होना चाहिए, तो इस रूप में अभी आप यहाँ क्या लगाएंगे, आउट टू। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है क्या कि डैश गॉड ब्लेसर, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार का सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना होता है, तो इसके लिए हमें मे वर्ड का यूज़ करना होता है, मे गॉड ब्लेसर। क्लियर, तो इसमें आप मे लगाएं। अब मैं थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ, ठीक है, चलिए अब आप आए क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 आपका कहता है कि डैश आई ओपन द विंडो, वुड, शुड, कैन या कुड। यहाँ क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जब अगर आंसर के तौर पे देखा जाए तो कहता है कि क्या मैं उस विंडो को खोल सकता हूँ, जब अगर इस प्रकार की बातें अगर आएगी तो इसके लिए आप यहाँ वर्ड क्या लगाएंगे, कैन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर अगर 42 की बात करूँ, डैश ही लिव लॉन्ग, पुनः फिर यहाँ बातें आ गई, सेंटेंस फिर आपका ऑपरेटिव सेंटेंस में है, तो जब ऑपरेटिव सेंटेंस में रहता है तो इसके लिए हमें क्या लगाना होता है, जनरली मे लगाना होता है। क्लियर, मे ही लिव लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ही डैश स्पीक फ्रेंच, फिर यहाँ किसी की एबिलिटी की बात हो रही है, तो जब भी कभी एबिलिटी की बात अगर होगी तो इस रूप में हमें क्या लगाना होगा, तो जब प्रेजेंट एबिलिटी की बात अगर होती है तो वो उसके साथ हम कैन लगाते हैं, तो ही कैन स्पीक फ्रेंच, कि वह फ्रेंच बोल सकता है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, यहाँ बी आंसर के तौर पे हो जाएगा, कैन। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है डैश आई कम इन सर, आप क्या लगाएंगे, मे, कुड, माइट, सेल। तो जब भी आप अगर यूज़ करते हैं फॉर्मल तरीका से तो इस रूप में हमेशा हमें किसका यूज़ करना होता है, तो मे का, क्या लगाएंगे, मे आई कम इन सर। क्लियर, और ये हमेशा दिमाग में रखें कि मे से ज़्यादा लिबरल क्या होता है, मे से ज़्यादा पोलाइटली क्या होता है, माइट, और मे माइट से भी ज़्यादा पोलाइटली, सबसे ज़्यादा पोलाइटली की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, कुड होता है। लेकिन जनरली आप फॉर्मल तरीके से आप अगर यूज़ करते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस में मे का ही यूज़ करना होता है, मे आई कम इन सर ही लगेगा इस ऑप्शन के तौर पर अगर देखा जाऊँ तो। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि यू डैश डू मी अ फेवर, आप क्या लगाएंगे, मे, कैन, कुड, माइट। तो अब सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएं, माइट, यू माइट डू मी अ फेवर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, तो पेज को आगे खिसकाता हूँ, आई डैश गो टू पटना टुमारो, क्या लगाएंगे, सेल, विल, मे, माइट। तो जब अगर आंसर के तौर पे देखा जाए तो 46 में
आप क्या लगाएंगे, आई के साथ जनरली सेल लगता है, तो आई सेल गो टू पटना टुमारो, कि मैं कल पटना जाऊंगा। तो इस रूप में क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब मैं क्वेश्चन नंबर बात करूं 47 की, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपका कहता है कि डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, बोरो मतलब उधार लेना, दैट मीन्स क्या है कि डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, इससे अब अगर बात करूँ ऑप्शन के तौर पे तो क्या लगाएंगे, शुड वुड मे मस्ट। तो कहता है क्या कि मुझे आपसे अम्ब्रेला अवश्य ही लेना चाहिए, उधार लेना चाहिए। तो बात करूँ कि सूट लगाएंगे या वुड लगाएंगे या मे लगाएंगे या मस्ट लगाएंगे, तो जब भी स्ट्रांगली फॉर्म के रूप में अगर चाहिए का सेंस लगता है, जब भी नेसेसिटी के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करने की बात अगर आती है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना होता है, तो उसके लिए मस्ट लगाना होता है। लेकिन यहाँ अगर बात आए कि नॉर्मल फॉर्म की बात अगर करूँ, तो यहाँ जब अगर देखा जाए कि सेंस के मुताबिक, तो कहता है कि मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, कि क्या मैं आपसे अम्ब्रेला उधार ले सकता हूँ। तो इस रूप में अगर लगाएंगे तो इस रूप में हमें किसका यूज़ करना होगा, ऑप्शन नंबर सी का, क्लियर। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये मैं बार बार कहूँ कि ये सेंटेंस के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर कहना क्या चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 48 फिर कहता है कि टुमारो डैश वी संडे, क्या होगा, टुमारो विल या टुमारो सेल या टुमारो शुड या टुमारो वुड। तो आपको पता होना चाहिए कि टुमारो विल बी संडे, क्योंकि इस रूप में सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएं, विल लगाएं। तो टुमारो विल बी संडे, आने वाला कल क्या होगा, संडे होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करूं, आई डैश ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, अब इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, सेल मे विल या कुड। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें लगना, सही रूप से अगर देखा जाए तो क्या लगना है इसमें, तो विल लगेगा। तो आई विल की बात करूं, आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, कि मैं अच्छे तरीके से और ट्राई करूंगा, कब, तो अगले बार या अगले टाइम। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि ही सेड दैट ही डैश बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, अब इसके आंसर के तौर पे हम क्या लगाएंगे, तो सही आंसर के तौर पे लगेगा वुड, ही सेड दैट ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। तो इस रूप में सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएं, वुड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि आई डैश अटेंड द पार्टी, यहाँ कूड लगेगा या कैन या शैल या शुड। तो हमको पता होना चाहिए इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कूड लगा सकते हैं, कि मैं पार्टी को अटेंड कर सकता था, तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे आप, कूड। अगर इसी में अगर लगने की बात अगर आ जाए कि मैं पार्टी को अटेंड करूँगा, तो आप यहाँ शैल भी लगा सकते हैं, क्लियर। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 52, वी डैश अवे द लॉज, हमें लॉज की अवे करना चाहिए, या तो इस रूप में हम क्या लगाएंगे, वुड शुड कैन या कुड। तो पता होना चाहिए कि जब भी अगर एडवाइस की बात अगर आती है, तो इस रूप में हमेशा हमें जनरली किसका यूज़ करना होता है, शुड का। तो इस रूप में हम क्या लगाएंगे, यहाँ शुड वर्ड लगेगा। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि मैं 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर और 52 क्वेश्चन की चर्चा मैं इस वीडियो में किया, जो कि वो मोडल्स ऑग्जिलरी वर्ब पर आधारित था सारे के सारे क्वेश्चंस। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।